जो स्त्री आटे में ये तीन चीजें डालकर रोटी बनाती है उसके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए करती है वास। इसी के साथ हम जानेंगे औरतों की कुछ गलतियों के बारे में जो आपके घर में बनती है बर्बादी का कारण। माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा भी हो जाती है नाराज। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है, इसीलिए हमें अन्न का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। अन्न को उगाना जितना कठिन होता है उतना ही आसान होता है उसे बर्बाद कर देना। भोजन हम सभी की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और हम सभी के घर में रोज भोजन बनाया जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र में भोजन बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन घर में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष या फिर सेविका ही क्यों ना हो, सभी को करना चाहिए। आज हम वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार खाना बनाने से संबंधित दो प्रमुख बातों पर बात करेंगे, जिनमें से एक है खाना बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय हमें क्या करना चाहिए तथा आटे में कौन सी चीजें कौन सी वस्तुएं मिलानी चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भोजन बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद जानेंगे आटे में हमें क्या डालना चाहिए। पहली बात, हम भोजन मुख्य रूप से घर के रसोई घर में ही बनाते हैं, इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार सही जगह पर बना हुआ है या नहीं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में रसोई घर होने से भोजन बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ही उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही भोजन बनाना चाहिए। दूसरी बात, भोजन हमेशा शुद्ध और शांत मन से बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय मन में गुस्सा या द्वेष जैसी कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। चिड़चिड़ करके और बेमन से बनाए गए भोजन के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। तीसरी बात, भोजन बनाते समय रसोई घर हमेशा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए और भूल कर भी कभी बाहर पहनने वाले चप्पल या जूते रसोई घर में नहीं लाने चाहिए। ईश्वर को साफ जगह पर और स्वच्छ तरीके से बने खाने का भोग लगाना चाहिए, इससे ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंदी जगह पर बना हुआ भोजन या झूठे बर्तन में बनाया गया भोजन भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथी बात, अस्वच्छ तरीके से गुस्से में या अशांत मन से बने भोजन का भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भोजन बनाते समय वाद विवाद किया जाए या फिर मुंह से अपशब्द निकाले जाते हैं तो ऐसे भोजन का शरीर और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवी बात, भोजन बनाते समय उसे बार बार चक्कर नहीं देखना चाहिए, इससे भोजन जूठा हो जाता है। ऐसा भोजन किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने से हमें हानि होती है और भगवान को तो अपना झूठा खाना प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप के समान होता है। छठी बात, भोजन हमेशा नहा धोकर नित्य कर्म से निर्वृत होकर स्वच्छ होकर ही बनाना चाहिए और सुबह जब भी भोजन बनाना शुरू करें तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें और उसके बाद अग्निदेव को स्मरण करके ही चूल्हा प्रज्वलित करें, इससे घर में अन्न की कमी नहीं होती और सुख शांति बनी रहती है। सातवीं बात, कभी भी टूटे फूटे बर्तन में न तो खाना बनाएं और न ही खाएं, हमेशा साफ बर्तन में खाना बनाएं, ऐसा करने से घर में राहु दोष उत्पन्न होता है। आइए अब जानते हैं आटा गूंथते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंथते समय उसमें क्या डालें कि जिसका शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े। पहली बात, कई बार महिलाओं की आदत होती है कि वो समय बचाने के लिए एक साथ दो समय का आटा गूंथकर रखती है। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कभी भी आवश्यकता से ज्यादा आटा मिलाकर ना रखें। गूंथकर रखा हुआ आटा घर में नकारात्मकता लाता है। गूंथकर रखे हुए आटे से बीमारियों को आमंत्रण मिलता है। साथ ही ऐसे आटे की रोटी खाने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। गुथा हुआ आटा बुरी शक्तियों को भी आकर्षित करता है, इसीलिए जरूरत से ज्यादा आटा मलकर ना रखें। दूसरी बात, हिंदू धर्म के अनुसार जब भी घर में किसी की मृत्यु होती है तो मृत आत्मा की भूख शांत करने के लिए आटे के छोटे छोटे गोल बनाकर उन्हें पानी में भरा जाता है, इसे पिंड कहते हैं और इन गोलियों पर किसी तरह का निशान नहीं बनाया जाता। इसीलिए महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने के बाद जब आटे की गोली बनाए तो उस पर अपनी उंगलियों से कोई निशान अवश्य बनाए, जो ये दर्शाता है कि आटा मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है बल्कि घर के सदस्य के लिए गूंथा गया है। तीसरी बात,
आटे की पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह के दोष से बच सकते हैं। चौथी बात, आटा गूंथते समय हम उसमें नमक तो मिलाते ही है, लेकिन यदि नमक के साथ थोड़ा सा घी और चुटकी भर शक्कर भी मिला दें तो ये बहुत ही शुभ होता है। शक्कर, नमक, आटा व घी सफेद रंग की चीजें होती हैं, जिनका संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से है। इसीलिए ये चारों वस्तुएं एक साथ मिलाकर हमारे शुक्र और चंद्र ग्रह मजबूत बनाती है और इन दोनों के सभी शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो आटा गूंथते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास भी माना गया है, इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करे क्या ना करे ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ गलतियां कर देती है। नंबर एक, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणियां करती है वो ये है कि बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर दो, आज के इस स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलकर बनाएं, इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर तीन, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर चार, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं, इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर पाँच, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। नंबर छह, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के नहीं है या खराब हो चुके हैं, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दें। नंबर सात, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवार जनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर आठ, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर नौ, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना गया है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह कलेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।